एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल लो इन इन द एक्टिविटी सीरीज की। मेटल की जो एक्टिविटी सीरीज है उसके बॉटम में जो मेटल प्रेजेंट होती है उनको कैसे एक्सट्रक्ट किया जाता है उनके ओर से, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर, कि इम्प्योरिटी को गैंग से रिमूव करना ही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। तो इसको हम इनरिचमेंट ओर या ड्रेशिंग भी बोल सकते हैं। तो देखो, जो इनरिचमेंट ओर की हमने जो वीडियो समझी थी, वीडियो में हमने क्या समझा था कि इसके चार मेथड होते हैं जिनसे क्या है ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है। तो उनको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ। एक हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड था, मैग्नेटिक मेथड है, केमिकल मेथड है, और एक है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। अगर आपने ये नहीं देखी है वीडियो तो पहले आप इसको देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। फिर देखो, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है इससे जो मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है उसके फ्लो चार्ट जो मैंने आपको करवाया था उसमें क्या स्टडी किया था कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है इसके ऊपर डिपेंड करता है अभी वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ओर से। जैसे हमने थ्री टाइप्स की एक्टिविटी पढ़ी है कि जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव होती है, मीडियम रिएक्टिव होती है और लो रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जो लो रिएक्टिव मेटल होती है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से। तो मैं आपको बता दूं कि जो लो रिएक्टिविटी की मेटल है वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, अर्थकाश पे। तो इस सल्फाइड ओर से कैसे मेटल बनाई जाती है आज हम ये सीखेंगे। तो हम मैंने फ्लो चार्ट में आपको बताया था कि रोस्टिंग की जो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग मेथड से हम क्या करते हैं सल्फाइड ओर से मेटल को बनाते हैं, ठीक है। तो जो ये टॉपिक है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, क्योंकि पहले क्या होते हैं जो सल्फाइड ओर प्रेजेंट होते हैं लो रिएक्टिविटी मेटल के उनको क्या किया जाता है, पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं उनका रिडक्शन किया जाता है और रिडक्शन से हमें क्या मिलती है, प्योर मेटल मिलती है, ठीक है। तो जिसे हम अब एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लो रिएक्टिविटी मेटल का पता होना चाहिए कि मैंने क्या बताया था, जो एक्टिविटी सीरीज होती है मेटल की जो उसके बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, तो वो मेटल कौन सी है, मर्करी, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो ये क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। तो लो रिएक्टिव मेटल को पहले क्या किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर क्या होती हैं, जो मतलब सल्फाइड, क्योंकि लो रिएक्टिव मेटल के क्या होते हैं जो ओर होते हैं वो सल्फाइड ओर होते हैं, ठीक है। तो सल्फाइड ओर है जो पहले उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है। तो ये कैसे होगा, तो देखो, जब जो ओर है उनका जो कन्वर्जन होता है मेटल ऑक्साइड में तो वो क्या कहलाता है, रोस्टिंग प्रोसेस कहलाती है। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, जो सल्फाइड ओर हैं उनको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। मतलब रोस्टिंग प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। क्यों होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, चलो हम देखें। क्योंकि यहां पे क्या है, मेटल जो सल्फाइड ओर है तो मेटल ऑक्साइड हमें बनाना है, तो सल्फाइड ओर से जब हम मेटल ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन लगी होती है, तो इसका मतलब क्या कि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको करवाऊं, जो सिनाबार होता है तो ये मर्करी का क्या होता है, और होता है, ठीक है। मर्करी का और क्या होता है, सिनाबार होता है, जिसका केमिकल फार्मूला है HgS। S क्या है, सल्फाइड, और Hg क्या होता है, मर्करी, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका स्टेप होगा उसमें हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और को। तो मर्करी का और क्या है, HgS है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सिनाबार है जो मर्करी का क्या है, ओर है। तो ओर से मेटल ऑक्साइड कब बनती है, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्योंकि सल्फाइड ओर से मेटल बनाना क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है, और रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो सेकंड जो मैं देखो, मैंने क्या बताया था कि पहले जो मेटल या ओर है उनको मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें तो मेटल ऑक्साइड ही मिला है, लेकिन इस मेटल ऑक्साइड से तो हमें तो मेटल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैं अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए। तो देखो क्या होगा, अब जो मर्करी ऑक्साइड है इससे हमें क्या चाहिए, मर्करी यानी कि मेटल चाहिए,
तो क्या होगा, जब मर्करी ऑक्साइड को हीट किया जाएगा, हीट करने की वजह से जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है HGO, तो ये ऑक्सीजन का रिमूव हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगी, मर्करी और ऑक्सीजन। तो देखो, जिस भी सब्सटेंस का या क्या होता है भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती थी, रिडक्शन कहलाती थी। तो यहाँ पे मर्करी ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है मर्करी में, ठीक है। तो क्या देखो, यहाँ पे दो स्टेप होंगे। फर्स्ट में तो जो ओर होता है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर जो मेटल ऑक्साइड है उससे मेटल बनानी होती है बाय रिडक्शन से, ठीक है। और ध्यान रखना है कि रोस्टिंग क्या होती है, जब ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो रोस्टिंग होती है। और सेकंड एक होता है इसका, जो वो कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हम मीडियम रिएक्टिविटी की सीरीज में स्टडी करेंगे, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, जो ओर कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको करवाऊं, जैसे कि कॉपर होती है, कॉपर भी क्या है, लो रिएक्टिविटी की मेटल है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वही जो कॉपर का ओर है वो क्या होता है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो रोस्टिंग प्रोसेस थी। तो हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड में जब हम रोस्टिंग मेथड से क्या करेंगे, इसको कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, हीट देंगे। और क्या होगा, क्योंकि ये हीट देंगे जब हम कॉपर सल्फाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा, इस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाएगा, रिडक्शन की वजह से क्या मिलेगी, हमें कॉपर मेटल मिलेगी, ठीक है। तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है किसमें, कॉपर में। तो क्या नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।